इलेक्ट्रॉन के लिए सबस्टिट्यूशन फ्यूजन रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन तो एसर का मतलब रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन के टर्म ले लिए और किसके साथ रिएक्शन? सल्फोनिक एसिड के साथ। सर सल्फोनिक एसिड के साथ यहाँ लिखिए कोका H2SO4। देख यहाँ पर हेट का साइन दिया हुआ है, ओके। हाँ और सबस्ट्रेट के इसमें क्या लेंगे? एनिशो। क्या लेंगे? एनिशो। ये हो गया बेंजीन का रिंग सल्फर। अरे यार कौन कैसे रोज जिला बता कौन कैसे तो को लेते थे सबसे यार कौन कैसे तो ये डायरेक्टली कौन कैसे तो को दिया गया और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है जिस सबसे वो इसीलिए हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन एक बार और फोर एक बार सोलह प्रतिशत का हटता है और OH के साथ जुड़ जाता है, क्या मान लेता है? वाटर। यहाँ पर पाँच हजार के रूप में वाटर बन गया। ये हमारा कौन सा ग्रुप है? एनिसोल का दो कंपोनेंट बनाएंगे। ये हो गया बेंजीन का रिंग और बेंजीन के नीचे जुड़ा हुआ ये ऑक्सीजन। ये हो गया मेरा एनिसोल। ये बेंजीन का रिंग लेते हैं और बेंजीन के रिंग पर लगा देंगे ऑक्सीजन। ये हमारा क्या बन गया? एनिसोल। और आने वाले सल्फोनिक एसिड को एक बार ऑर्थो में जोड़ेंगे और एक बार पैरा में। यहाँ पर एक बार ऑर्थो में जोड़ दिए सल्फोनिक एसिड को और एक बार पैरा को सबसे जोड़ दिए सल्फोनिक एसिड। अब एथर और सल्फोनिक एसिड में सिंगल फॉर्मूला तो सल्फोनिक एसिड है। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन। इसका यूपिक नेम हो जाएगा टू मिथॉक्सिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड और इसका यूपिक नेम हो जाएगा फोर मिथॉक्सिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका कॉमन नेम हो जाएगा ऑर्थो मिथॉक्सिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो कॉमन नेम हो गया ऑर्थो मिथॉक्सिल बेंजीन बोलना इसका नाम जाएगा फोर मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चाहे क्या बोल सकते हैं कॉमन नेम में पैरा मिथॉक्सी सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिथॉक्सी ग्रुप और सल्फोनिक एसिड में भीड़ ज्यादा अस्थेनिक एसिड ज्यादा तो बढ़ने का क्षमता कम तो अस्थेनिटी कम तो फैलाएगा माइनस हो जाएगा।
अब पैरा में सौ से पैंतीस साल होने के इसमें भीड़ भाड़ कम, अस्टेरिक हिंड्रेंस कम, तो बनेगा ज्यादा पॉसिबिलिटी ज्यादा, तो कहलाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो वो खास हम खास प्रोडक्ट जो तानी से बनता है उसको माइनर प्रोडक्ट कहते हैं, और वो खास हम खास प्रोडक्ट भर भर कर बनता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन बोलो वे एनिसोल इज रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड दे ऑर्थोमेथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरामेथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म्ड इन विच पैरामेथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज द मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू लेस एस्टेरिक हिंड्रेंस And more stability. इस तरह जो फुल एक्सिड में सल्फोनेशन क्या हो गया खत्म।